अब हम बात करते हैं मेथी के दाने। मेथी का दाना भी जैसा कि मैंने कहा हर घर के रसोई में है। हमारे पूर्वजों को पता था, आज भी हमारी जो माताएं बहनें जब कद्दू की सब्जी बनाती हैं, जिसको पेठा बोलते हैं कई जगह कद्दू बोलते हैं, जो गोल गोल जो पम्पकिन होता है बड़ा गोल गोल, उसकी जब सब्जी पकती है तो ज़रूर उसमें मेथी का छोंक लगाया जाता है, क्योंकि वह वायु कारक होता है तो वायु के शमन के लिए मेथी का छोंक लगाया जाता है। तो किन किन पदार्थों में मेथी का छोंक लगाना है यह हमारी माताओं बहनों को बखूबी परंपरा से पता है। इसी को ही बोलते हैं परंपरागत ज्ञान, इसी को ही बोलते हैं गुरु परंपरा से ज्ञान। तो वास्तव में ये जो परंपरागत ज्ञान है हमारी रसोई की, हमारे खान पान की, हमारे यहाँ से सदियों से चली आ रही है। पर आज फास्ट फूड, जंक फूड और ये जो पिज्जा बर्गर की वजह से कहीं हम अपनी सांस्कृतिक जो हमारी विरासत थी उसको भी हम भुला रहे हैं। खान पान की जो परंपरा थी आज विकृत हो रही है। हमें समय रहते ही उन चीज़ों के प्रति जरूर जागरूक होना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ, यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जहाँ तक बात रही मेथी दाने की, तो यह डायबिटीज़ के लिए भी बहुत ही उपयुक्त है। जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उन लोगों के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि वो रात को 1.5 चम्मच मेथी, 4-5 ग्राम मेथी पानी में भिगो दें और सुबह उसको चबा चबा करके खाएं और उस पानी को भी पिएं। इस तरह से करने से जो डायबिटीज़ है वो कंट्रोल होती है और पेट भी इससे ठीक रहता है, और जिनको अर्थराइटिस है उसके लिए भी ये लाभकारी है। तो अर्थराइटिस के रोगी और जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं ये दोनों ही लोग रात को मेथी को भिगो करके प्रातःकाल मेथी के दानों का सेवन करें और उससे आपको पूरा लाभ मिलेगा। भिगोने के बाद में जो इसकी उष्ण प्रकृति है वह प्रकृति भी परिवर्तित हो जाती है, वह आपको ज़्यादा गर्मी नहीं करेगी। आप सब जानते हैं जो अर्थराइटिस के रोगी होते हैं हमारे यहाँ परंपरा से सर्दी में मेथी के लड्डू भी खिलाए जाते हैं। मेथी उसके लिए बहुत ही उपकारी है, बहुत ही गुणकारी है। इसी तरह से जो हमारी माताएं और बहनें जो डिलीवरी के बाद में जो काढ़ा उनको पिलाया जाता है उसके अंदर भी मेथी और अजवाइन मिला करके दिया जाता है डिलीवरी के बाद में, तो वो सब इन्फेक्शन और स्वेलिंग ख़त्म हो जाती है और अंदर किसी कारण से कोई भी ओवरीज, यूट्रस में, गर्भाशय आदि में कोई विकृति रह गई हो तो वह भी दूर करता है। तो मेथी को माताएं बहनों को भी बच्चा होने के बाद में ज़रूर देना चाहिए, खाद्य के रूप में भी, भिगो करके भी, या जो भी काढ़ा वगैरह उनको पिलाया जाता है उसमें मेथी को ज़रूर दिया जाता है। और श्रद्धेय स्वामी जी का प्रसिद्ध नुस्खा लगभग हम सब देशवासी जानते हैं, जिनको शाइटी का प्रॉब्लम हो, चाहे अर्थराइटिस का हो, चाहे मस्कुलर प्रॉब्लम हो, हल्दी मेथी और सौंठ का पाउडर, हल्दी मेथी और सौंठ बराबर मात्रा में यदि आप पाउडर करके रख लेते हैं और 1-1 चम्मच सुबह शाम लेते हैं तो शाइटी का प्रॉब्लम हो, चाहे अर्थराइटिस का हो, चाहे मस्कुलर प्रॉब्लम हो, सभी चीज़ में मेथी अत्यंत गुणकारी है, बहुत ही लाभकारी है। उसके लिए आप मेथी का प्रयोग करके भरपूर लाभ पा सकते हैं। तो एक मेथी के बहुत अनेक गुण हैं, औषधि के रूप में आप निर्विवाद रूप से इस मेथी का सेवन कर सकते हैं। और जो आपके सर्दी जुकाम वगैरह है, मेथी को रात को भिगो करके उसको अंकुरित करके आप जैसे भोजन के साथ में भी थोड़ी मेथी नियमित रूप से ले सकते हैं। उसको लेने से जो आपके सर्दी जुकाम वगैरह है वह भी ख़त्म हो जाएगा। और मेथी का एक और प्रयोग है, मेथी को भून करके जब बिल्कुल लाल हो जाए उसको पाउडर करके आप दूध में थोड़ा सा डाल करके भी प्रतिदिन यदि आप ले लेते हैं तो उससे दूध हजम हो जाएगा, दूध डाइजेस्ट हो जाएगा, इससे आपकी जो पाचन प्रक्रिया है वो ठीक हो जाएगी और गैस नहीं बनेगा। और कॉफ़ी की जगह मेथी को भून करके यदि आप डालते हैं दूध के अंदर तो वह स्वाद भी आपको मिल जाएगा। आप इसका प्रयोग करके देखिए, मेथी को भून करके पाउडर करके आप डालिए दूध में फिर पीजिए। तो जिनको दूध हजम नहीं होता है, दूध का पाचन नहीं होता है, उनको भी दूध पाचन होने लगेगा, यह बहुत ही लाभकारी प्रयोग है। और इसके अतिरिक्त जो है मेथी को जिनको सर में बहुत दर्द रहता हो उन सर दर्द के रोगियों को भी आप मेथी को रात को भिगो करके प्रातःकाल मेथी आप प्रतिदिन सेवन करते हैं तो इससे माइग्रेन में भी पूरा लाभ होता है। जिनको कफ और वात रोग की वजह से सर में दर्द हो उन रोगियों को भी इस तरह से मेथी का सेवन ज़रूर करना चाहिए। तो आज से हम पूरे देशवासी से आह्वान करते हैं
मेरी माताओं बहनों से विशेष करके जितना संभव हो सके अपने रसोई में जो आपकी मेथी है उसको सिर्फ खाद्यान्न के रूप में नहीं, सिर्फ भोजन के स्वाद को बढ़ाने के लिए नहीं, अपितु एक औषधि के रूप में भी आप स्थान दे दें और पूरे परिवार को स्वस्थ और निरोग रखने में मेथी का आप प्रयोग करिए और मेथी के द्वारा आप अपने घर को स्वस्थ रखिए। यही हमारा मिशन है, इसी उद्देश्य को लेकर के हम हैं आपके बीच में। तो इस प्रयोग को आप ज़रूर आजमाइए, आप देखेंगे कि मेथी एक बहुत ही दिव्य औषधि है, एक चमत्कारिक औषधि है, एक सद्य प्रभावशाली औषधि है और सबसे बढ़ करके मेथी आपके घर में सहजता से उपलब्ध है। तो आइए इस मेथी का प्रयोग करके इस देश को निरोग बनाने का जो महाअभियान है उसके अंदर एक और कड़ी जोड़ें। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपके लिए और भी ज्ञानवर्धक जड़ी बूटी आयुर्वेद और वनौषधियों के रहस्यों को लेकर के उपस्थित होंगे आपके बीच।